बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको विज्ञान की इकाई 6 पौधों में पोषण करवाने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ने के बाद क्या क्या समझ पाएंगे। हरे पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना, यानी हरे पौधे जो होते हैं हमारे, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इसके अलावा स्वपोषी पौधे, देखिए जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। परजीवी पौधे क्या होते हैं बच्चों, ये हम इसमें जानेंगे, और कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं ये इसमें जानेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इन सब की हम चर्चा करेंगे, और आप ये सब कुछ इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बता पाएंगे कि स्वपोषी पौधे क्या होते हैं, परजीवी पौधे क्या होते हैं, कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्या क्या होती है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है। भोजन से शरीर को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। देखिए इन पूरी लाइनों से हमें जो समझना है वो क्या समझना है बच्चों, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है जिसको बोलते हैं स्वपोषी। स्व का मतलब होता है स्वयं, पोषी मतलब पोषण, अपना खुद का पोषण करने वाले, यानी कि हरे पौधे जो हैं बच्चों वो क्या हैं, वो स्वयं भोजन बनाते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। देखिए हरे पौधे, समस्त हरे पौधे क्या कहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, स्वपोषी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं ऊपर, हम लोगों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और भोजन के अंदर कुछ घटक होते हैं जो मेन, जो हमको जीने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, ऊर्जा के लिए, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है बच्चों, इन सब की हमें आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम हरे पौधे, यानी कि हमारे शरीर को काम करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी कि हमारा शरीर जब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि हम ऊर्जा ना मिले हमें, तो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए हरे पौधे जो होते हैं बच्चों वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। चलिए आइए चर्चा करें कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे कई प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं बच्चों कि हरे पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पहला प्रश्न, और फिर वो बनाते कैसे हैं, तीसरा बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके घर का भोजन कहाँ बनता है, उस भोजन को बनाते कैसे, आप कहाँ बनाते हैं, ठीक है, और उसको बनाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप बताएंगे ना। तो इसी प्रकार से हरे पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, चलिए पढ़ते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। देखिए पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया कि हरे पौधे अपना भोजन क्या बनाते हैं, हरे पौधे अपना भोजन बच्चों पत्तियों में बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। आप कह सकते हैं पत्तियों, आप क्या कह सकते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं वो पौधों की क्या होती हैं, रसोई होती हैं। क्या होती हैं, पौधों की रसोई। जैसे घर की रसोई में भोजन बनाने के लिए आटा, चावल, दाल आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है, होती कि नहीं होती, हमारे घर की रसोई है उसके अंदर आटा, चावल, दाल ये सब होते हैं, जभी तो हम खाना बना पाते हैं। उसी प्रकार आइए जाने कि पत्तियों में भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए पत्तियों में भोजन बनता है, पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है, लेकिन इस रसोई घर के अंदर खाना बनाने के लिए पत्तियों को कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है, चलिए जानते हैं हम लोग। भोजन बनाने के लिए बच्चों पत्तियों में पर्ण हरित, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो बच्चों चाहिए सूर्य का प्रकाश, दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा चाहिए जल, ठीक है,
और चौथा है पर्णहरित। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो पर्णहरित के कारण होता है। तो इन चीज़ों की, चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। किंतु ये सभी पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुँचते हैं, अब चलिए जानते हैं। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। देखिए, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जो सौर्य ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करने के लिए पत्तियों के अंदर पर्णहरित पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियाँ क्या होती हैं, हरी होती हैं। यानी आपसे कोई पूछ ले कि बताइए बच्चों पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप जवाब देंगे सर पत्तियों का जो रंग है वो हरा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पर्णहरित की उपस्थिति होती है। पर्णहरित एक तत्व होता है जो कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, और ये दूसरा कार्य क्या करता है, ये सूर्य की ऊर्जा को भी प्राप्त करता है। और जल कहाँ से आता है बच्चों, मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुँचता है, यानी कि मिट्टी से जाता है। और इसी प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है बच्चों, साथ ही वायुमंडल में क्या होती है, उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुँच जाती है। तो चलिए मैं चित्र के माध्यम से एक बार आपको और समझा देता हूँ, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और ये आपकी हर कक्षा के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। देखिए, ये एक पत्ती है, और ये पत्ती जो है ये क्या होती है बच्चों, ये जो है आपकी रसोई घर है। क्या है ये पत्ती रसोई घर है, किसकी, पौधों की, हरे पौधों का रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। और एक पत्ती नहीं होती, पूरे पौधे में बहुत सारी पत्तियां होती हैं। देखिए, यहाँ पर एक सूर्य है बच्चों, ये जो सूर्य है इससे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए पूरी पृथ्वी पर बराबर बराबर मिलता है सभी को। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है पत्तियाँ इसको ग्रहण करती हैं, लेकिन कैसे, पर्णहरित के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, पर्णहरित के द्वारा। और पर्णहरित क्या होता है, वो पत्तियों के अंदर उपस्थित रहता है, और पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, पर्णहरित के कारण ही होता है। एक मिनट बच्चों, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, पर्णहरित के कारण। तो सूर्य से जो सूर्य की ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है, पर्णहरित के कारण प्राप्त हो रही है इसको। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं ये वायुमंडल से मिल रही है, ठीक है। तीसरा जल जो है कहाँ से मिलता है, देखिए पौधा है ये, मान लीजिए ये पत्ती जुड़ी है, ये जड़ है ना, और इसी जड़ में जब हम लोग पानी देते हैं, क्या देते हैं, पानी देते हैं, या जड़ें अपना पानी कहीं नीचे से मिट्टी से अवशोषित करती हैं, कहीं नहर, कहीं आपका जो है नदी, उससे जो है जो जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो वो नीचे से पानी को ग्रहण करते हैं। और खेतों में जो हम लोग फसल लगाते हैं वहाँ पर हम पानी देना पड़ता है हमें अपने पौधों को बड़ा होने के लिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये पत्तियों में, ये जो पत्तियों तक पानी कैसे जाता है, जड़ों से होता हुआ, तने से होता हुआ, वो कहाँ जाता है, वो पत्ती के अंदर जाता है। तो ये देख रहे हैं आप जल जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब इसके अंदर ये सब चीज़ें पहुँच जाएंगी, जल चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, और सूर्य का प्रकाश भी चला जाएगा, तो अब यहाँ पे भोजन बनेगा। अब ये भोजन जो बनेगा वो बनेगा स्टार्च। क्या बनेगा बच्चों, स्टार्च। और इसी प्रकार से ये जो पत्तियाँ हैं वो ऑक्सीजन को भी वायुमंडल में छोड़ती हैं, जो कि क्या है, प्राणदायिनी है, यानी कि जो जिसकी बदौलत हम लोग आज जिंदा हैं, है ना। ऑक्सीजन ना हो तो हम लोगों का दम घुट जाएगा और हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो हमें हरे पौधों से मिलती है। यदि ऑक्सीजन, हरे पौधे ना हो तो क्या होगा हमारा जीवन बच्चों, हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जीवन का अस्तित्व, यानी हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ऑक्सीजन हमें जीने के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए हरे पौधे हमारे आसपास बहुत ज़्यादा होने चाहिए, पेड़ पौधों को कटने से हमें रोकना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रदूषण को भी जो है, वायु प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे हरे पौधों का। तो हरे पौधों को जगह जगह लगाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहे। और ये वायुमंडल में उपस्थित जब ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी तो हमारे प्राण जो है वो बचे रहेंगे, प्रदूषण कम होगा,
और हमें शुद्ध हवा मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने क्या देखा, स्टार्च बनता है, ऑक्सीजन निकलती है और ये सब चीज़ें इसको जो रसोई घर है यानी कि हरी पत्तियाँ क्या होती हैं, रसोई घर होती हैं पौधों का, ये सब चीज़ें इसको चाहिए होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, सूर्य की ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये जो सूर्य की ऊर्जा पर्ण हरित की उपस्थिति में जो है ये ग्रहण करती हैं हरी पत्तियाँ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, देखिए बच्चों जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन पत्तियों पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलाकर ग्लूकोज यानी कि मिलकर क्या करता है, ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, बनती है यानी बनाते हैं ये लोग, बनती है जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। देखिए पर्णरंध्र जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर पर्णरंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, पर्ण जो रंध्र यहाँ पे जो शब्द आप देख रहे हैं इसको स्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में। ये छोटे छोटे से एकदम टाइनी यानी कि बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ती की निचली सतह पर, जिससे कि गैसों का आदान प्रदान होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है बच्चों और ऑक्सीजन जो होती है तो बाहर निकलती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जैसे एक ये पत्ती है और ये पत्ती जो है बच्चों इस तरीके से, और इस पत्ती की जो निचली सतह है इसमें बहुत सारे इस तरीके से नीचे की तरफ बहुत सारे जो है छोटे छोटे पर्णरंध्र होते हैं, ठीक है। और ये जो पर्णरंध्र होते हैं इन पर्णरंध्रों की सहायता से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो यही चीज़ है आपको समझनी और यही ऑक्सीजन हमें जीने के लिए आवश्यक है, ठीक है। आगे देखिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्णरंध्रों जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल से निकाल दी जाती है, पौधों द्वारा भोजन यानी ग्लूकोज बनाने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन क्या होता है, ग्लूकोज, और इस क्रिया को हम समीकरण द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, इसमें जल है, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिल गए, लेकिन किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति, यानी प्रकाश की उपस्थिति जो है, प्रकाश कैसे अवशोषित किया जा रहा है, पर्ण हरित की उपस्थिति में जो कि पत्तियों को हरा रंग भी प्रदान करता है। बनेगा क्या क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ग्लूकोज क्या होता है पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा जो बच जाता है वो पौधों की पत्तियों में, पौधों के फल में, पौधों के फूल में, पौधों की जड़ों में संचित होता रहता है और वो हम लोग इसका सेवन भी करते हैं। देखिए यदि कार्बन डाइऑक्साइड को आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, आप जल को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ये दोनों मिल गए यहाँ पे आपने, मैं देख लिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी है और पर्णहरित की उपस्थिति में। यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र ये होता है बच्चों C6H12O6 और यहाँ पे है ये आपका ऑक्सीजन। तो छः जो है यहाँ पे, सिक्स क्या है, छः आपके अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, छः अणु आपके जो है बच्चों जल के, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक अणु जो है वो बनेगा किसका, ग्लूकोज का, और छः अणु जो है यहाँ पे आपके बनेंगे ऑक्सीजन के। तो एक अणु यदि ग्लूकोज का जब कब बनता है बच्चों, जब छः आपके कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और छः आपके किसके, जल के अणु मिलते हैं तो एक जल का, एक जो है ग्लूकोज का अणु बनता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण को समीकरण के द्वारा हमने प्रदर्शित किया यहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, ये पत्तियों में बने हुए ग्लूकोज नामक भोजन को पौधे अपनी वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं। बचा हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि में संचित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो बचा हुआ यानी पौधे वो जो भोजन बनाते हैं सबसे पहले तो अपनी वृद्धि और अपनी जो अन्य जैविक क्रियाएं होती हैं उनके लिए उपयोग करते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसको वो कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे यानी संचित करेंगे। कहाँ पे, जड़ में करते हैं बच्चों, तने में करते हैं, फल में करते हैं, फूल में करते हैं, ठीक है, इन सब में करते हैं और यही सब तो हम लोग खाते हैं। देखिए कैसे,
जैसे आलू क्या है, आलू एक तना है जो कि कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे। मूली क्या है, एक जड़ है ज़मीन के नीचे होती है। गोभी क्या है, वो एक फूल है। पालक क्या है, पत्तियाँ, ये सब खाते हैं हम लोग। टमाटर क्या है, टमाटर, भिंडी, ये मिर्ची, ये क्या है, ये सब आप देख रहे हैं, भिंडी है, ये सब क्या है, आदि। देखिए फलों के, फल, फल यानी कि सब्जियाँ, और फल क्या है, फल हम लोग खाते हैं सारे, बहुत सारे, जैसे आम है ना, सेब है, चीकू है, ये सब क्या है, फल हैं, ये सब लोग खाते हैं। तो ये सब कुछ हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही मिलता है। आगे देखिए, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है बच्चों, एकमात्र भंडार या स्रोत है सूर्य, और पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इस सौर ऊर्जा को किसमें बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को। देखिए पौधों में जो पर्णहरित उपस्थित होता है वो इस सूर्य की ऊर्जा को, जिसको सौर ऊर्जा बोलते हैं बच्चों, सौर ऊर्जा बोलते हैं, देखिए सौर ऊर्जा, इसको किसमें बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है तो ये हम रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही हम इन सबको ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, जिससे भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, पर्णहरित बदलता है, यानी क्लोरोफिल बदलता है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि ऊर्जा जो है ना तो कभी नष्ट होती है ना ही बनाई जा सकती है, ऊर्जा अपना रूप बदलती है, यानी कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि नष्ट नहीं किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सौर की सूर्य ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। आगे देखिए, यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। भोजन नहीं मिलेगा हम लोगों को तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। एक दिन खाना मत खाओ, दो दिन व्रत रह लो, कैसा काम करना, काम करने लायक हमारा शरीर नहीं रहता बच्चों। क्योंकि सभी जीव जंतु क्या होते हैं, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, पौधों से ग्रहण करते हैं। अतः हरे पौधे क्या हैं, एकमात्र उत्पादक हैं, और जबकि अन्य जंतु क्या हैं, उपभोक्ता हैं। तो देखिए यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं बच्चों, एक तो है उत्पादक और दूसरा है उपभोक्ता। देखिए उत्पादक का मतलब क्या, उत्पादन करने वाला, निर्माण करने वाला, बनाने वाला। तो भोजन का उत्पादन करने वाला यहाँ एकमात्र स्रोत है पूरी पृथ्वी पर, वो कौन है, हरे पौधे। और उपभोक्ता कौन, इस भोजन को उपभोग करने वाला, इसको ग्रहण करने वाला, तो वो सारे जीव जंतु हो गए, तो हम लोग उपभोक्ता हो गए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया उत्पादक और उपभोक्ता के अंदर अंतर। देखिए अगला जो हम आपको पढ़ाएंगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, ठीक है। किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए क्रियाकलाप के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखिए आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, स्वपोषी क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है पौधे के अंदर, और उस प्रक्रिया के दौरान किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, और जब वो प्रक्रिया होती है तो उस दौरान कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, बड़े ध्यान से उसको सुनना, समझना, और यदि फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, व्हाट्सएप पे बताना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, तिवारा समझाऊंगा, चार बार समझाऊंगा, लेकिन आप जब तक नहीं समझेंगे मैं आपको बार बार समझाऊंगा, ठीक है। तो आप समझिएगा, इसको देखिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।